फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बोर्ड पर हमने एक बी अक्रॉस जो करनी है वो वन वन ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है हाँ हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में डाटा डिफरेंट मिल जाए पर आपको सॉल्व कैसे करना है वो मेथड आप यहाँ पर सीखें हाँ बेटा तो देखो इधर ध्यान से सपोज दैट पॉइंट ए और बी इन दोनों के अक्रॉस इक्विलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है ठीक है अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप यहां से कुछ रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो जैसे मैंने एक तो इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया एक मैंने इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और एक इस रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव कर दिया तो आप देखेंगे फिर से आपको ये दो पॉइंट मिलेंगे और ये दोनों पॉइंट ए बी का रिपीटेशन है ए के बाद में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू ओम था इस पॉइंट के बाद भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू ओम है b के बाद एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू ओम था इस पॉइंट के बाद भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू ओम है ठीक है अब मैं आपसे बोलता हूँ आप इस पूरी ब्रांच का इस पूरे लैडर का इक्विलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर भी आपको r ही मिलेगा बिकॉज़ लैडर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है और अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो उसमें से आपने अगर एक दो रेजिस्टेंस आगे वाले हटा भी दिए बिल्कुल वैसा ही डायग्राम फिर से बना दिया और इसकी लेंथ अगर इन्फाइनिट है तो यहाँ पर चेंजेस जो होंगे वो नेग्लिजिबल आएंगे आप इन ए बी के अक्रॉस भी रजिस्टेंस अगर आर बोलते तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आर ही बनी रहेगी और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है तो आप देखें इधर ध्यान से क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है एक बार अगेन मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन फिर से बता दूं। ये क्वेश्चन था बेटा हमारा ठीक है अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ट्रिक आप समझ गए क्या करना है ठीक है सबसे पहले आप रिपीटेशन देखेंगे रिपीटेशन का मतलब जहां से लेडर ए पॉइंट और बी पॉइंट रिपीट हो रहे हैं ये पॉइंट यहां से एक हॉरिजोंटल रेजिस्टेंस टू ओम है तो देखो ये पॉइंट इस पॉइंट के बाद फिर से टू ओम रजिस्टेंस है बी पॉइंट के बाद टू ओम रजिस्टेंस है तो यहां पर फिर से ये पॉइंट इसके बाद टू ओम का रजिस्टेंस है आप क्या करेंगे इसे यहां से कट कर देंगे ठीक है अब देखें इधर ध्यान से इसको आपने यहां से कट कर दिया राइट right साइड में अगर टोटल रेजिस्टेंस आर है तो उसमें अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो भी आंसर आपको आर के इक्वल ही रखना है ठीक है तो आप देखें इधर ध्यान से मैं पर डायग्राम फिर से बनाता हूं सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने ये रेजिस्टेंस टू ओम रेजिस्टेंस है ठीक है ये रेजिस्टेंस बनाया ये आपका वन ओम रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस ये बनाया ये टू ओम रेजिस्टेंस है ठीक है ये पॉइंट्स अगेन ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है देखें आप ध्यान से और ये दोनों पॉइंट ये वाले बना देता हूं ये लं ठीक है अब देखें इधर पूरा आंसर देखें राइट right साइड में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के इधर ये टोटल रेजिस्टेंस यहां बना दिया मैंने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आर है तो आप अगर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस बनाएंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें आर के इक्वली रखनी है ठीक है तो देखें इन्हें हम ऐड करते हैं सबसे पहले वन और आर दोनों पैरल कॉम्बिनेशन में पैरल कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन आर अपॉन वन प्लस आर ठीक है यार आर प्लस वन फिर टू ओम ये पूरी ब्रांच और ये टू ओम ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं ठीक है ये सीरीज में कनेक्ट है तो उस कंडीशन में इनका इक्विलेंट रेजिस्टेंस आर के इक्वल मुझे रखना है टू और टू सीरीज में फोर हो गया ये लिखा मैंने फोर प्लस सेकेंड है आपका आर अपॉन आर प्लस वन और इनका आंसर भी बेटा आपको आर के इक्वली देना है ठीक है ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है तो आप देखें आर इक्वस टू मैंने लिखा यहाँ पर एल सी एम आर प्लस वन मल्टीप्लाई किया फोर आर प्लस फोर प्लस आर। इसे क्रॉस किया तो ये हो गया आर प्लस आर इक्वस तू फोर आर, प्लस प्लस आर, आर, तो आर तो माइनस फोर, फोर इक्वस टू जीरो तो आपको इक्वेशन एक मिल गई है फॉर्मूला आप जानते हैं फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो और आपको अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्व टू आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए ठीक है अब देखें इधर ध्यान से हमारी इक्वेशन में ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस फोर है और सी की वैल्यू माइनस फोर है ठीक है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस आर इक्वस टू सबसे पहले आपको लिखना है माइनस बी ये माइनस फोर को आप माइनस फॉर्मुले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा प्लस माइनस फिर आप माइनस फोर का स्क्वायर करके लिखेंगे तो सिक्सटीन हो जाएगा फिर आपको लिखना है वहां पर फोर ए सी इनको मल्टीप्लाई करना है ए की वैल्यू तो वन है माइनस फोर सी की वैल्यू है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस सिक्सटीन आ जाएगा डिवाइड बाय टू इन ए की वैल्यू वन है ठीक है तो आप देखेंगे तो आर इक्वस टू आपको आंसर मिलेगा फोर प्लस माइनस थर्टी टू थर्टी टू को लिख सकता हूँ मैं फोर रूट टू के इक्वल डिवाइड बाय टू टू से आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर इक्वस टू आपको आंसर मिलेगा टू प्लस माइनस टू रूट टू ठीक है अब आपको पता है ये वाली टर्म बड़ी है और ये बड़ी है तो आपको पता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकता हमेशा प्लस में होगा पॉजिटिव टर्म होगी तो आप लिखेंगे टू प्लस टू रूट टू ठीक है यह आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पर टू कॉमन है वन प्लस रूट टू आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है रूट टू को आप लिख सकते हैं वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर को आप वन ऐड करेंगे तो टू पॉइंट फोर और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्लियर है अब देखें इधर ध्यान से एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ ठीक है देखें इधर ध्यान से हाँ बेटा एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पर अब क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा पर ये सेम है नहीं आप देखें मैंने यहाँ का रजिस्टेंस जो है वो रिमूव कर दिया यहाँ किसी तरह का रजिस्टेंस नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी रजिस्टेंस था ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो मेथड बिल्कुल सेम ही है रिपीटेशन चेक करें आप देखें इधर ध्यान से ए पॉइंट जिसके बाद हॉरिजॉन्टल टू ओम रेजिस्टेंस आता है तो ये पॉइंट हुआ इसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू ओम आ रहा है ठीक है फिर आप देखें ये बी पॉइंट बी के बाद डायरेक्ट एक वर्टिकल रेजिस्टेंस आना चाहिए बी के बाद डायरेक्ट एक वर्टिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए तो ये पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ पॉइंट बनाते हैं वर्टिकल रजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अगर आप इस ब्रांच को कट करेंगे तो इसको यहां से कट करना है ठीक है इस बार इसको ऐसे कट करना है मेरी बात आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उस कंडीशन में आप बी पॉइंट यहाँ ही बना सकते हो बी के बाद डायरेक्ट वर्टिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए इस पॉइंट के बाद में फिर से एक वर्टिकल रेजिस्टेंस है ठीक है इस डायग्राम को एक बार फिर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आप देखें इधर ध्यान से एक रजिस्टेंस तो ये है ये जो है वो टू ओम रजिस्टेंस है ठीक है एक रजिस्टेंस ये वाला है ये जो है वो आपका वन ओम रजिस्टेंस है ठीक है यहां किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है ये लें ये मैंने बना दिया यहां पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है ठीक है ये भी आपको बनाना पड़ेगा ये वाला रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस आपने यहां बना दिया ठीक पॉइंट है पॉइंट्स जो हैं वो आपका एक पॉइंट तो यहां पर है ये देखें दो के बाद टू ओम रेजिस्टेंस के बाद में ये पॉइंट है और एक पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारा यहां पर है ठीक है तो अब इस राइट right साइड में जितना भी आपका जो है यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है उसके रेजिस्टेंस को तो आपने अज्यूम किया कि उसका जो रेजिस्टेंस है 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 ये बेटा ठीक इस डायग्राम को हम करते हैं ये बी पॉइंट है ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है ठीक है अब देखें सबसे सब से पहले सबसे पहले आप इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों रजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में ये दोनों ये दोनों हैं सीरीज में सीरीज में डायरेक्ट एड होते हैं इन दोनों का आंसर होगा आर प्लस टू के इक्वल ठीक है आर और टू दोनों सीरीज में ऐड किए तो आर प्लस टू के इक्वल फिर ये आर प्लस टू वन के साथ में पैरल में कनेक्ट है पैरल में कनेक्ट है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं इन दोनों का आप आंसर देंगे पैरल में तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन तो आप आंसर जो लिखेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन होगा आर प्लस टू ही होगा और एडिशन लिखेंगे इसे और इसे तो लिख देंगे आर प्लस थ्री के इक्वल ठीक है अब ये पूरा कनेक्ट हो चुका है और इसके साथ में ये टू ओम जो है वो किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीरीज में तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो मैंने ऐड किया यहाँ पर टू प्लस रजिस्टेंस है यहाँ पर आर प्लस टू अपॉन आर प्लस थ्री और आपको टोटल आंसर इक्वल रजिस्टेंस की वैल्यू भी आर के इक्वली रखनी है ठीक है आप देखें इसे सॉल्व करते हैं तो आर इक्वस टू एल्शियम लिया फिर से मैंने आर प्लस थ्री होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा टू आर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सिक्स प्लस आर प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ये होगा आपका आर स्क्वायर प्लस थ्री आर इक्वस टू अगेन थ्री आर प्लस एट के इक्वल थ्री आर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एट है तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू दे सकते हैं टू रूट टू जो है वो इक्वलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू होगी ठीक है यहाँ पर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है रिपीटेशन का ध्यान रखना है ठीक है